यानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, आईसीसी की ओर से जारी T20 रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी रॉबिन उथप्पा या डी महेंद्र सिंह धोनी। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर की बेटी ने इंटर परीक्षा में लहराया परचम, पिता घूम घूम कर बेचते हैं चाय। इंटर की परीक्षा में भागलपुर की बेटी ने परचम लहराया है। TNV कॉलेज की छात्रा नंदनी कुमार आर्ट्स में सेकंड टॉपर बनी है, उसे 461 अंक मिले हैं। नंदनी मूल रूप से भागलपुर शहर के लहरी टोला की रहने वाली है। उसके पिता शंकर प्रसाद घूम घूम कर चाय पत्ती बेचा करते हैं और माता घर पर आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। कुल मिलाकर उसके घर की माली हालत है। इसके बावजूद पढ़ाई के प्रति नंदनी का जुनून कभी कम नहीं हुआ। विषम परिस्थिति में भी उसने कभी हार नहीं मानी। नंदनी ने बताया कि उसकी प्रारंभिक पढ़ाई मां की देखरेख में शुरू हुआ। इंटर की पढ़ाई के लिए उसने TNV कॉलेज में दाखिला ले लिया। इस दौरान जब लॉकडाउन लग गया तो उसने सेल्फ स्टडी शुरू कर दी। जहां ज्यादा परेशानी होती थी वहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से उसे दूर करने की कोशिश करती थी। नंदनी ने बताया कि उसके पिता हमेशा उसका सपोर्ट करते हैं, वह उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। वहीं 12वीं आर्ट्स की दूसरी स्टेट टॉपर नंदनी भारती IAS अधिकारी बनेगी। नंदनी ने कहा कि उसकी इच्छा है कि IAS अधिकारी बनकर देश और समाज की सेवा करे। क्या कैसा लगा रिजल्ट? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सब्जेक्ट था तुम्हारा? सर मेरा आर्ट्स में 5 सब्जेक्ट था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। अकबर कौन था यार? अकबर मुगल शासक का सबसे सबसे शक्तिशाली और सबसे महान शासक था, जिसने पूरे दिल्ली सल्तनत ही नहीं पूरे भारत को बहुत अच्छे से शासन किया। अच्छा, तो हिस्ट्री तुम्हारा स्पेशलाइजेशन था क्या? मतलब अच्छा नंबर आया तो बहुत अच्छा। कहाँ स्कूल का नाम क्या है? स्कूल मैंने 10th क्राइस्ट चर्च गर्ल्स हाई स्कूल से। इस बार अभी TNV में? बताओ, खुद बताओ अपने बारे में। हम TNV कॉलेज से में हैं और मेरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। हिस्ट्री में मेरा मार्क्स 97 है, पॉलिटिकल साइंस में 96 है, साइकोलॉजी में 93, हिंदी में 88 और इंग्लिश में 87। और जब फर्स्ट ईयर में थे हम तो कॉलेज तो कंटिन्यू जाते थे, कॉलेज से पूरा सहयोग मिलता था। सेकंड ईयर में लॉकडाउन के कारण कॉलेज में ग्रुप बना था, ऑनलाइन ग्रुप, उससे थोड़ी मोटी पढ़ाई हुई और जो भी कंफ्यूजन होता था वो मैंने सर से और मैम से कांटेक्ट कर लिया था। और मैं बाकी सब 12th में लॉकडाउन के कारण मैंने सेल्फ स्टडी। साइकोलॉजी क्या? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके माध्यम से हम किसी भी आदमी के किसी के मन को पढ़ सकते हैं। और बेसिकली साइकोलॉजी का उपयोग मेंटली रूप से जो डिसेबल होते हैं उनके उपचार के लिए किया जाता है। तो साइकोलॉजी मतलब तुमको? साइकोलॉजी जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, साइको और लॉगस, और साइकोलॉजी के फादर हैं वो विलियम हंट हैं। मम्मी पापा को क्या कह रही हो? सर मेरे मम्मी टीचर हैं। नहीं नहीं नहीं, मतलब जो इसमें क्या कंट्रीब्यूशन कैसे रहा, तुम खुद बताओ सब चीज़ों को। मम्मी पापा घर पे सबको मेरे को बहुत सहयोग करते थे हमको। और 10th में जब मेरा 450 मार्क्स था तो उस समय भी उन लोगों ने कहा था कि अच्छे से पढ़ो ताकि 12th में तुम टॉप कर सको। और मैंने सब थोड़ा प्रिपरेशन किया और आज मैं टॉप सेकंड पे हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हो रही है। आगे क्या सोच रही है? आगे हम BHU के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझे IAS बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, ये मेरा एम है। कितने लोग हैं परिवार में? सर परिवार में 5 लोग हैं, 3 बहन हैं हम मिला के और मेरी मम्मी और पापा। बड़ी बहन टीचर है, सेकंड वाली दीदी MCOM कर चुकी है और अभी वो DLED कर रही है। पढ़ाई में किसका किसका कोऑपरेशन? मेरे घर में तीनों बहन पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, मम्मी पापा भी बहुत अच्छे से
सहयोग करते थे और तीनों बहन का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा रहा, मेरा भी अच्छा ही है, तो हम सोचेंगे कि आगे भी और अच्छा करें। दोस्त लोग तो जेलस हो गई है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे फ्रेंड्स जो है वो फ्रेंड्स भी सारे बहुत अच्छे हैं कॉन्टैक्ट में, सब ने मुझे फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेसन कहा और सबको मुझसे उम्मीद भी थी क्योंकि टेंथ में भी मैंने सब में हाईएस्ट मार्क्स लाए थे, तो सब ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन किया, किसी को भी जेलस फील नहीं। और कुछ पूछना है? थैंक यू सर। पूरा परिवार गया था बाहर, इधर चोरों ने उड़ाए 15 लाख के जेवरात। भीपुर के बभन गामा के चौधरी टोला की घटना। भीपुर थाना क्षेत्र के बभन गामा में अज्ञात चोरों ने 15 लाख रुपए मूल्य के जेवरात के साथ कई कीमती सामानों की चोरी कर ली। करीब 8 दिनों से गृह स्वामी विनय कुमार चौधरी समेत उनका पूरा परिवार अपने एक संबंधी के यहाँ था। शुक्रवार सुबह जब सभी लौट कर आए तो सबों के होश उड़ गए, चोरों ने सभी कीमती सामानों की चोरी कर ली थी। घटना की सूचना मिलते ही SDPO दिलीप कुमार, बिहपुर के इंस्पेक्टर अमर विश्वास, थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की। पुलिस स्तर से खोजी कुत्ते से छानबीन कराई गई, जबकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम ने भी साक्ष्यों को एकत्रित किया है। कुछ सामान घर के पीछे रास्ते पर भी फेंका मिला, आशंका है कि भागने के क्रम में कुछ सामान गिर गए होंगे। इधर इस मामले में विनय कुमार चौधरी के लिखित बयान के आधार पर गांव की ही 3 लोगों को मीर टोला निवासी मोहम्मद इंतकाम, मोहम्मद दिलबरिया, मोहम्मद जम्मू को नामजद किया गया है। पुलिस ने मीर टोला निवासी मोहम्मद इंतकाम को हिरासत में लिया तो गांव के ही मोहम्मद असकर समेत कुछ और युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गृह स्वामी विनय कुमार चौधरी ने बताया कि 17 मार्च को वे घर के अन्य सदस्यों के साथ पूर्णिया जिले के धमदाहा गांव अपने एक संबंधी के यहां गए थे। उन्होंने घर के मुख्य दरवाजे के साथ सभी दरवाजों को बंद करके ताला मार दिया था। 26 मार्च शुक्रवार को जब वे लौटे तो देखा कि मुख्य दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ है। विनय चौधरी ने कहा कि वे पड़ोसियों की छत पर चढ़कर अपने छत पर आए और छत से उतरकर आंगन में आए। उन्होंने देखा कि सभी घर के दरवाजे खुले हैं और सारा सामान अस्त व्यस्त है। गोदरेज का लॉक भी टूटा हुआ था। अंदर देखा तो गोदरेज का लॉकर भी टूटा हुआ है और गोदरेज में रखे सभी जेवरात गायब थे। विनय कुमार चौधरी का कहना है कि गोदरेज के लॉकर में 25 से 30 भर सोने के जेवर और अन्य जेवरात थे। चोरों ने बर्तन और कपड़ों को भी नहीं छोड़ा और कई कीमती सामानों को भी गायब कर दिया। श्री चौधरी ने गांव के ही दिलबरिया, इंतकाम और जम्मू के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि तीनों का चोरी में हाथ है। कहते हैं SDPO नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिए जाने की उम्मीद है। किनो भेल अपने का? विनय कुमार चौधरी। की भेल रे अपने के साथ? हमरा यहाँ चोरी भेल छे। अच्छा, माने आ कै बजे देखलिए? सुबह के माने कै बजे? 7 बजे। 7 बजे कहाँ रहिए? माने घर में कोई नहीं रहे? घर में कोई नहीं, एक भी आदमी घर में नहीं रहे, सब बाहर रहे? चारों आदमी बाहरे रहे। अच्छा, चारों आदमी बाहरे रहे। आ कतेक मोटा मोटी सामान लग गए होते? टोटल 5 लाख के? अच्छा ठीक। की नाम भेल अपने के? मधु। की भेल रे अपने के साथ, की देखलिए? हमे गेल रहिए नहरा, वहाँ से अलिए, ताला सब जगह बंद रहे, वहाँ से जब अलिए आज सुबह तो अगला गेट और सब लागल रहे, इन्ने से ई गेट के हैंडिल लगा देने रहे, ओकर बाद जब ऊपर छत पर चढ़ के हैंडिल खोललक भीतर अंदर अलिए तो देखै छी हमर घर और सब खुला छै, सब चीज ले लेने छै, कुछ नहीं बचले, सब चीज ले लेलकै। माने कहीं रिलेशन में गेलो रहिए? हाँ, कोनो फंक्शन में गेलो रहिए? क्या दिन पहिने गेलो रहिए यहाँ से? 8 दिन पहिने। यहाँ घर में कोई नहीं रहे? नहीं। अलिए तो सब कुछ देखलिए एकदम, सब सारा कुछ माने यहाँ से? अच्छा ठीक ठीक। एक चोरी हो गई है जी, लोग गृह स्वामी जो है मकान बंद करके कहीं बाहर चले गए थे और आए हैं, उनको पता चला है कि घर में किसी तरीके से घुस के और अंदर का दरवाजा गोदरेज वगैरह तोड़ दिया है, सामान वन ले लिया, तो इस संबंध में FIR दर्ज हो गई है, लोगों से पूछताछ के लिए लाए हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है सर। भागलपुर गंगा नदी का सर्वे करेगी टीम।
नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी में पानी का बहाव, नदियों के बेड पर गाद का भराव, उसकी वजह से खादड़ और भागल इलाके में नदियों का शिफ्ट होना जैसी जानकारी के लिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। उसी कड़ी में हैदराबाद से 7 सदस्यों की एक टीम एरियल सर्वे के लिए भागलपुर पहुंची है। गंगा नदी का हवाई सर्वेक्षण हल्दिया से मोकामा तक किया जाएगा। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की रिपोर्टिंग की जानी है। सर्वे में गंगा की धार, उसकी गहराई व गंगा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी ली जाएगी। सर्वे टीम 7 से 10 दिनों तक भागलपुर में रहेगी और हर दिन यहां से सर्वे के लिए जाएगी। 7 सदस्यीय टीम में सर्वे के हेड, चीफ पायलट, पायलट के अलावा एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन शामिल हैं। सर्वे है वो प्रोजेक्ट मैनेज वो अलग होता है, वो रखता तो आपको वो ज़्यादा डिटेल बता सकता था, बट ये है कि ये एलिवेशन और बहुत सारी चीज़ें होते हैं वो डाटा उसमें कलेक्ट करते हैं। कहाँ से किनके नेतृत्व में आई है, कहाँ से किनके नेतृत्व में आई है, दैट मीन्स कि इसमें बहुत सारे टीम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, लोग भी हैं, पायलट्स भी हैं, इंजीनियर भी, उनका अलग काम है, और सारा चीज़ प्रोसेसिंग करते हैं, डाटा कलेक्ट करना, प्रोसेसिंग करना, यहाँ भी इंजीनियर को कौन इनका नेतृत्व है, किशन रेड्डी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, यहाँ पे फील्ड प्रोजेक्ट मैनेजर। कितने दिनों तक सब चलेंगे ये, अभी देखिए डिपेंड ऑन मौसम, अभी कुछ बता नहीं सकते, डिपेंड ऑन मौसम में सारी चीज़ें होती है, तो एक महीने का क्या नमामि गंगे से जुड़ा हुआ मामला जी बिल्कुल नमामि गंगे से। क्या नाम आपका? मेरा नाम कैप्टन खगेंद्र। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। जटिल भूमि विवाद के मामलों की एसडीओ ने की सुनवाई। भूमि विवाद के मामले के निष्पादन को लेकर नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में शुक्रवार को जनता दरबार लगाकर एसडीओ अखिलेश कुमार एवं एसडीपीओ दिलीप कुमार ने मामले की सुनवाई की। शुक्रवार को जमीन विवाद को लेकर आयोजित जनता दरबार में कुल 7 मामले आए। जनता दरबार के सभी 7 मामलों के निष्पादन को लेकर दोनों पदाधिकारी ने पहल की। एसडीओ अखिलेश कुमार ने कहा कि शुक्रवार को आयोजित जनदार में वैसे मामले जो थाना स्तर पर थानाध्यक्ष एवं अंचल अधिकारी के जनता दरबार में निष्पादन नहीं हो पाए, वैसे मामलों को सुलझाने के लिए पहल की गई है। प्रथम शुक्रवार को कुल 7 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों के लिए अगली तिथि दी गई। उन्होंने कहा कि हर माह के 2 शुक्रवार को अनुमंडल स्तर पर जनता दरबार लगाकर जमीन विवाद के जटिल मामलों का निष्पादन किया गया। इसको लेकर अंचल अधिकारियों को वैसे जटिल मामलों की सूची अनुमंडल कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। नवगछिया में बोले महागठबंधन दल के नेता, लोकतंत्र के चीरहरण के विरोध में बिहार बंद। प्रदेश के आह्वान पर नवगछिया में महागठबंधन समर्थित बिहार बंद को सफल बनाने की पुरजोर कोशिश की गई, जिसमें राजद, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम तथा कांग्रेस नेताओं ने अपने अपने दलगत झंडे को लेकर सरकार के विरोध विरोध प्रदर्शन किया। राजद के जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने बताया कि बिहार विधानमंडल में मुख्यमंत्री द्वारा लोकतंत्र का चीरहरण, विधायकों की पिटाई, बेरोजगारी, महंगाई, किसान बिल के विरुद्ध शुक्रवार को पूरे महागठबंधन ने बिहार बंद के आह्वान को सफल बनाया। सभी बिहार वासियों ने इस बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान जिला अध्यक्ष अलग निरंजन पासवान, जिला महासचिव संजय मंडल, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा, आपदा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अशोक यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। बारे में बताया जाए कृषि विधेयक बिल जो यह किसानों को अपमानित करने का काम सरकार कर रही है, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से यह कृषि विधेयक बिल वापस लिया जाए, और साथ ही साथ
विधानसभा सत्र के दौरान जो विधायकों का अपमान करने का सरकार ने काम किया है, इसके लिए हम लोग मुस्तैदी से लगे हुए हैं और आज हम लोग ने बिहार बंद करने का काम किया है। नवगछिया में आप इसका असर देख रहे हैं। यह संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। पुलिसिया राज को बढ़ावा देने के लिए या जो पुलिस सशस्त्र बिल को भी ला के दे दिया गया है या जबरदस्ती करने का जो तरीका सरकार अपना रही है, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। महागठबंधन परिवार नवगछिया में एकजुटता से इसका विरोध कर रहा है और इतना नवगछिया में ही नहीं सही पूरे प्रदेश में इसका विरोध जारी रहेगा जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिल जाता। नवगछिया में कहाँ कहाँ क्या रूठ रहा है? हम लोग पूरे नवगछिया नगर सहित मकनपुर चौक और जगह जगह पर कार्यकर्ताओं के समर्थन से बंद करने का काम किए हैं और बंद हमारा जो है पूरी तरह से सफल रहा है। इसमें कोई दौराई नहीं है, जनता का साथ हमारे साथ है, समर्थन मिला है और लोगों ने भी इसका विरोध दिल से किया है कि यह जो सरकार हमने चुन रखी है यह रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है और आने वाले समय में इस सरकार की दुर्गति निश्चित तौर पर लिखी हुई है। परिचय दें। विश्वास झा, जिला प्रवक्ता सब मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय जनता दल नवगछिया। आज का बिहार बंद किसान विरोधी जो बिल है उस बिल की वापसी के साथ साथ जो बिहार विधानसभा के अंदर जो 74 आंदोलन के नाजायज औलाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विशेष सशस्त्र विधेयक बिल को और किसान विरोधी बिल को विधायकों पर लाठी दमन के जरिए, महिला विधायकों पर जबरन लाठी चार्ज के जरिए और आंदोलन की ताकतों पर जो भी आंदोलन उठने वाली आवाज़ है उसको दमन के जरिए, आंसू गैस के गोले के जरिए, लाठी के जरिए, वाटर कैनन के बौछार के जरिए महिला विधायकों को भी नहीं छोड़ा गया। यह लोकतंत्र की शर्मसार करने वाली बिहार के अंदर यह पहली घटना है जो नीतीश कुमार जो कहते हैं कि हम 74 के औलाद हैं, इसलिए हम लोगों ने कहते हैं कि नीतीश कुमार तुम 74 के आंदोलन से सीख लिए नहीं हो। बंदी के बारे में पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार नहीं, आज पूरा हिंदुस्तान बंद है। किसान आंदोलन के 4 महीने हो रहे हैं। किसानों के खिलाफ बेशर्मी से मोदी सरकार पेश आ रही है, मैं उसका विरोध करता हूँ। दूसरी बात यह है कि बिहार विधानसभा के अंदर लोहिया जयप्रकाश की नीतियों का नीतीश कुमार ने उल्लंघन किया है। लोकतंत्र के मंदिर में पुलिस के जरिए, सशस्त्र बल के जरिए विधायकों की पिटाई किया है, इसके खिलाफ भी बिहार बंद है। हम पुलिस बिल विधेयक 2021 का पुरजोर विरोध करते हैं। इसके वापसी तक महागठबंधन और भाकपा माले की ओर से आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। मैं बिंदेश्वरी मंडल, भाकपा माले, जिला सचिव। नवगछिया में अब बैनर फ्लैग्स हाथों हाथ पाए। सुंदर और आकर्षक डिजाइन व क्वालिटी के साथ अवतार फ्लैग हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। मोबाइल नंबर 7766987733। पंचायत चुनाव 2021 में बम्पर ऑफर और डिजिटल प्रिंट के लिए जरूर पधारें। अवतार फ्लैग्स हाई स्कूल के सामने पोखर के नजदीक नवगछिया। नवगछिया के भीमदास टोला में लोक गायक छैला बिहारी के गीतों की शूटिंग संपन्न। रंगरा चौक प्रखंड के भीमदास टोला में शुक्रवार को सुनील छैला बिहारी के होली गीत और लोक गीतों के वीडियो फिल्म की शूटिंग की गयी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ देखी गई। शैला बिहारी ने कहा कि लगभग 25 वर्ष से लोगों का प्यार उन्हें निरंतर मिल रहा है जिससे वे अभिभूत हैं। शैला बिहारी ने कहा कि जल्द ही उनका हालिया रिकॉर्ड लोकगीत और होली गीत मार्केट में होगा। इस अवसर पर भीमदास टोला में राजकुमार रजक, मुक्कू सिंह, सौम्या सिंह, रूपेश सिंह, गायक मनीष पांडव, राजा सोनम आदि मौजूद थे। नवगछिया के धरहरा की बेटी रुचि रानी ने इंटर आर्ट्स की परीक्षा में लहराया परचम। SBC हाई स्कूल की हैं छात्रा। अपनी अनोखी परंपरा बेटियों के जन्म लेने पर फलदार पौधे लगाने व ढोल नगाड़े बजाकर खुशियां मनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित आदर्श ग्राम धरहरा की बेटी रुचि रानी ने इंटर आर्ट्स की परीक्षा में जिले में दूसरा स्थान पाकर पुनः धरहरा को गौरवान्वित किया। रुचि रानी अपने माता पिता की बड़ी संतान है। माँ वंदना सिंह गृहिणी तो पिता राकेश सिंह खेती बाड़ी करते हैं। स्नातक पिता के कुशल संरक्षण में रुचि रानी ने अपनी पढ़ाई कर मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। रुचि रानी की इस उपलब्धि से धरहरा वासी फूले नहीं समा रहे। रुचि SBC हाई स्कूल लत्ती पाकर धरहरा की छात्रा है। वही परिणाम के बाद विद्यालय परिवार ने भी रुचि को शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है।
दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। बार एसोसिएशन चुनाव, सभी नामांकन वैध। अंकेक्षक पद से एक ने लिया नामांकन वापस। अध्यक्ष पद पर तीन एवं महासचिव पद पर छह प्रत्याशी चुनाव मैदान में। नवगछिया बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर शुक्रवार को विभिन्न पदों पर नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र की स्क्रूटनी निर्वाची पदाधिकारी सह अधिवक्ता रामजी मिश्रा ने किया। स्क्रूटनी के दौरान निर्वाची पदाधिकारी ने अभ्यर्थियों के द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्र को वैध पाया। इसी दिन नामांकन वापस लेने की तिथि निर्धारित थी, तो अंकेक्षक पद पर नामांकन दाखिल करने वाले एक अभ्यर्थी अधिवक्ता दीपेंद्र कुमार सिन्हा ने नामांकन वापस ले लिया। अंकेक्षक के दो पद पर कुल चार अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था। दीपेंद्र सिन्हा के नामांकन वापस लेने के बाद अब तीन प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। दीपेंद्र कुमार सिन्हा ने अंकेक्षक के साथ साथ उपाध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल किया। उपाध्यक्ष पद पर वे चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन पदाधिकारी से अधिवक्ता रामजी मिश्रा ने बताया, विभिन्न पदों के कुल 51 अभ्यर्थी ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें अंकेक्षक पद से एक नए नामांकन वापस लिया। सभी पदों पर कुल 50 अभ्यर्थी चुनाव में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के एक पद के लिए तीन अभ्यर्थी, उपाध्यक्ष के तीन पद के लिए छह अभ्यर्थी, महासचिव के एक पद के लिए छह अभ्यर्थी, संयुक्त सचिव के तीन पद के लिए चार अभ्यर्थी, सहायक सचिव के तीन पद के लिए चार अभ्यर्थी, कोषाध्यक्ष के एक पद के लिए दो अभ्यर्थी, कार्यकारिणी समिति सदस्य के सात पद के लिए नौ अभ्यर्थी, वरीय कार्यकारिणी सदस्य के पाँच पद के लिए छह अभ्यर्थी, अंकेक्षक के दो पद के लिए तीन अभ्यर्थी, पुस्तकालय समिति के एक पद के लिए तीन अभ्यर्थी, निगरानी समिति सदस्य के तीन पद के लिए पाँच अभ्यर्थी चुनावी मैदान में हैं। निर्वाचित पदाधिकारी ने कहा कि शनिवार को सभी पदों के प्रत्याशियों की फाइनल सूची प्रकाशित की जाएगी। होली एवं शबे बारात त्योहार पर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। 103 स्थानों पर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त। होली एवं शबे बारात त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर अनुमंडल प्रशासन के स्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है। अनुमंडल प्रशासन स्तर से अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्रों में दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई। पूरे अनुमंडल में 103 स्थानों के लिए दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। अनुमंडल के भवानीपुर ओपी क्षेत्र में 12 स्थानों पर के लिए 10 दंडाधिकारी, बिहपुर थाना क्षेत्र के 13 स्थानों के लिए 10 दंडाधिकारी, झंडापुर ओपी के 9 स्थानों के लिए 5 दंडाधिकारी, खरीक थाना के 10 स्थानों के लिए 5 दंडाधिकारी, नदी थाना के 6 स्थानों के लिए 3 दंडाधिकारी, ढोलबज्जा थाना के 8 स्थानों के लिए 4 दंडाधिकारी, कदवा ओपी के 7 स्थानों के लिए 4 दंडाधिकारी, परबत्ता थाना के 6 स्थानों के लिए 5 दंडाधिकारी, नवगछिया थाना के 12 स्थानों के लिए 9 दंडाधिकारी, रंगरा ओपी के 12 स्थानों के लिए 8 दंडाधिकारी, गोपालपुर थाना के 10 स्थानों के लिए 8 दंडाधिकारी, इस्माइलपुर थाने के 6 स्थानों के लिए 6 दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। इसके साथ ही 5 दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को प्रखंड क्षेत्र में लगातार गश्त करते हुए विधि व्यवस्था संधारण के लिए लगाया गया। इसके साथ नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में 28 मार्च से 30 मार्च तक के लिए नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया के मदरोनी चौक पर सड़क हादसे में महिला की गई जान। डेढ़ वर्षीय पुत्री का इलाज करवाकर घर लौट रही थी साजन कुमारी। नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 मदरोनी चौक के पास गुरुवार की देर शाम हुए सड़क हादसे में मदरोनी गांव के ही अखिलेश सिंह की पत्नी 25 वर्षीय साजन कुमारी की जान चली गई। जानकारी मिली है कि साजन कुमारी अपने डेढ़ वर्षीय पुत्री का इलाज करवाकर अपने चचेरे देवर अमन कुमार के साथ मोटरसाइकिल से भागलपुर गई थी। भागलपुर से लौटने के क्रम में मदरोनी चौक के पास गांव में प्रवेश करने के लिए यू टर्न लेने के क्रम में मोटरसाइकिल में कटिहार की ओर जा रहे एक अज्ञात स्कॉर्पियो ने जबरदस्त
ठोकर दे मारा, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार तीनों सड़क पर गिर गए। मोटरसाइकिल चालक अमन और डेढ़ वर्षीय बच्ची आरोही बाल बाल बच गए, लेकिन साजन कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। देर शाम परिजनों के द्वारा साजन को इलाज के लिए भागलपुर रवाना किया गया, लेकिन रास्ते में ही साजन कुमारी की जान चली गई। इधर घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन के साथ भागने में सफल रहा। शुक्रवार को सुबह रंगरा पुलिस ने मृतका के घर पहुंचकर सबको कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए नौगछियान मंडी अस्पताल भेज दिया। दोपहर बाद परिजनों को सब सौंप दिया गया था। मालूम हो कि साजन कुमारी के पति अखिलेश रेल पुलिस में है और वह मुंगेर जिले के जमालपुर में तैनात है। साजन कुमारी की शादी अखिलेश से महज 6 वर्ष पूर्व हुई थी। साजन कुमारी अपने 4 वर्षीय पुत्र आयुष आनंद और 1.5 वर्षीय पुत्री आरोही को बेसहारा छोड़ गई है। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। रानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।